वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स बाय संजय सर। मेरी फ्री वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल बटन को जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, यह बिल्कुल फ्री है। उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। न्यूज़पेपर में ये बात है कि सिपाही के लिए लिखित परीक्षा और माइनस मार्किंग दोनों होंगी। तो लिखित परीक्षा कितने नंबर की होगी? 300 नंबर की, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें एज बाउंडेशन है, पुरुषों के लिए है 18 से 22 साल और महिलाओं के लिए है 18 से 25 साल। 3 साल की छूट है महिलाओं के लिए। और देखिए यहाँ पे अब 25 मिनट में ही दौड़ना होगा 4.8 किलोमीटर, ये पुरुषों के लिए ही। पहले ये 27 मिनट था, अब 25 मिनट में 2 मिनट कम कर दिया गया है। जबकि महिलाओं को यही 2.4 किलोमीटर की दूरी कितने समय में? 16 के बजाय 14 मिनट में ही आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज 9 अगस्त 2017। ठीक है, तो जो एस्पिरेंट्स, जो बच्चे हमारे लिखित परीक्षा की, यूपी पुलिस में लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि अपना फिजिकल तैयार रखें। और सबसे पहले देखा इसमें होगा, प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया है कि लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइनस मार्किंग भी होगी, जो भर्ती बोर्ड तय करेगा। भर्ती बोर्ड क्वालिफाई करने के लिए कोई न्यूनतम अंक की बंदिश नहीं रखी है। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा होगी, इसमें कितने लोगों को बुलाया जाएगा यह बोर्ड ही तय करेगा। ठीक है, जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।